हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग और वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे और भगवान से भी बोलती हूँ कि सारे फ्रेंड्स मेरा अच्छा ही रहें। तो चलिए, आज मैंने मॉर्निंग से कोई ब्लॉग नहीं शुरू किया था और क्योंकि ना मेरा दो दिन से थोड़ा तबीयत डाउन चल रहा है, इसलिए मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं शुरू किया। और आज सुबह से सोच रही थी पर नहीं हो पा रहा था, और मैंने इसीलिए अभी दुकान से आके दिया बत्ती करके तब मैंने अभी ब्लॉग को स्टार्ट किया। तो चलिए, फिर शाम से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया, देखती हूँ कहाँ तक होता है और जहाँ तक होगा वहीं तक दिखा पाऊँगी। तो चलिए, फिर आज मैं ठंडी जा ही चुकी है तो ठंडी हमारे में आते आते जो करते हैं और मैं वो जाते जाते भी करते हैं, तो आते आते हमारे में पुआ ये सब बनाते हैं और अब जाते जाते भी थोड़ा बहुत बनाते हैं कि गर्मी में तो खा नहीं पाएंगे, तो इसीलिए मैं आज मालपुआ बनाने जा रही हूँ। तो चलिए आपके साथ ये भी शेयर करते हैं, पहले भी मैंने शेयर कर चुकी हूँ फिर भी आज एक बार करती हूँ। तो चलिए फिर, और मैंने ये चावल भिगा के रख दिया है मालपुआ के लिए और इसको मैं अब मिक्सी में पीसूँगी। और इसमें मैंने ले लिया कोकोनट ऑयल, ये कोकोनट ले लिया, तो ये ना फट गया है थोड़ा, तो ये कोकोनट ले लिया है मैंने। ये मैंने चावल ले लिया, चावल मैंने भिगा दिया था, ये भिगा हुआ चावल है, इसको ना मैं अब मिक्सी में पीसूंगी। और मैंने ले लिया ये नारियल, नारियल को मैं अब इसको निकाल लूँगी अंदर से घिस के, और इसके बाद मैं इसको बनाना शुरू करूँगी। और मैंने आज मुझे खाना बनाना नहीं है कुछ, खाली मैंने अभी चावल बिठाया है, चावल ही पकता रहेगा और दाल सब्जी सब है इसमें, मतलब थोड़े थोड़े करके ना सब चीज़ रखी हुई है। और सुबह मैंने अंडा बनाई थी वो भी रखा हुआ है, तो जो भी है वो है, दाल है, हो जाएगा। तो चलिए फिर इसको बना। उसके बाद मैं बर्तन धोली, बर्तन जब तक धोलिए थोड़ा साफ कर दिया, क्योंकि हाथों हाथ साफ कर दो ना तो सही रहता है, चिपकता नहीं है। अब मैं इसमें तेल भी गर्म हो गया है, अब मैं इसमें डाल दूंगी इस तरह से। आज बहुत मुश्किल से मालपुआ बन रहा है मेरा, नहीं बन रहा है आज पता नहीं क्यों, जैसे ही दे रही हूँ ना ऐसे टूट जा रहे हैं, तो इसलिए ना थोड़ा टाइम लग रहा है। आराम आराम से ना इसको कर रही हूँ क्योंकि ना वो टूट रहा है, पता नहीं नारियल से या किससे, नारियल ना थोड़ा कल का था ना कटा, परसों रात की थी तो शायद सूख सा गया है इसलिए हो रहा है, पता नहीं किस लिए हो रहा है। अब बहुत मुश्किल से इसको थोड़ा इधर उधर करते करते अब जाके ये हो पाया थोड़ा, अब आराम आराम से ऐसे सारा बना लूँगी। अभी तो काफ़ी पड़े हैं बनाए नहीं, और जो भी मैंने बनाए थे ना ये सब टूट गया है, तो मैंने इसको नहीं हो पाया, इसको ऐसे ही बनाऊँगी। गाइस, मैंने ना इस घोल को जो मैंने बनाया ना, मैदा और चावल का आटा सारे मिला के, तो इसमें ना एक कप अगर आप मतलब घर पे अगर बनाओगे, अगर आप चावल नहीं पीसोगे तो बिना चावल का भी बनता है, चावल का भी बनता है, पर हम ज़्यादातर चावल का ही बनाते हैं। तो मैदा देना एक कप, तो आधा कप सूजी देना, और सूजी मैदा
के हिसाब से आधा रहेगा, मैदा डबल रहेगा, और उसके हिसाब से आपको जितना चीनी चाहिए, जितना मीठा चाहिए, आप उस हिसाब से मीठा दे सकते हो। और अगर आपके पास नहीं है नारियल तो भी ये होता है, ऐसा नहीं है कि नारियल चाहिए ही चाहिए, पर ज़्यादातर ना हमारी बंगाली में और मतलब नारियल देते ही है। आप देखना केरल में भी ज़्यादा नारियल खाते हैं और बंगाली में भी खाते हैं, उड़ीसा में खाते हैं, तो ज़्यादा नारियल का यूज़ होता है हर चीज़ में। तो चलिए इस तरह से आप घर में बनाना, तो कभी ट्राई करना। जैसे मैदा और सूजी और उसमें थोड़ा सा मीठा डाल के भी आप देखना, गोला, हिंदी में ना मैं मतलब बहुत जगह में बोलते हैं गुलगुला बोलते हैं उसको, तो वो गुलगुला थोड़ा अलग होता है, वो आटा का होता है और ये मैदा और सूजी का है, तो आप घर में ट्राई करना। मैंने आपको बताए तो आप ट्राई करना, ट्राई करने के बाद देखना कैसे लगते हैं। अगर अच्छा लगेगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं वेट करूँगी आपकी कमेंट की कि आपने बना के ट्राई किया कैसे लगे। तो चलिए फिर इसको बना लेती हूँ। और मेरा ना खाना बनाना नहीं, खाली चावल बनाई थी, मैंने बताई थी ना चावल बनाई थी, और बर्तन भी मैंने धो दिया, जो टिप्पन निप्पन था सारा धो दिए। और इसके बाद ना मैं इसको बना के फिर इस सारा साफ कर दूँगी, और वहाँ पे सब्जी अभी तो खा लेंगे तो खाना तो ख़त्म तो हो ही जाएगा, फिर सारा साफ करके फिर सोऊंगी। तो अभी तो 9 बजने वाले ही है, पर 11 बजे से पहले तो मेरा काम होगा नहीं, 11 तो बज ही जाएंगे। और उधर हस्बैंड और बेटी टीवी देख रहे हैं और मैं इधर कर रही हूँ, और बेटा को मैंने शॉप पे छोड़ दिया। थोड़ा ना इन सब में टाइम लगता है, सबसे बड़ा टाइम लगता है, तो मेरे पास नहीं हो पाता इतना टाइम, कभी हो जाता है कभी नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैं ना नहीं कर पाती, कुछ भी कंटिन्यू कर ही नहीं पाती, क्योंकि मेरा कोई टाइम का पता नहीं है मैं कब कहाँ और किस समय हूँ। तो इसलिए मैं कोई भी चीज़ कंटिन्यू अगर सोचूंगी, मैं कंटिन्यू ब्लॉग करूँगी तो नहीं कर पाऊँगी, सोचूंगी कंटिन्यू इस काम को एंड करके होगा तो भी नहीं हो पाएगा, आधा अधूरे में ही भाग जाऊँगी मैं। तो इसलिए ना मैं कोई भी चीज़ एकदम से नहीं शुरू कर पाती हूँ, तो उसको क्यों मुझे सोचना पड़ता है। इसलिए ये रही मेरी पुआ, बन गई है पुआ, तो देखिए अच्छा तो लग रहा है, खा के भी अच्छा ही लगेगा। और कुछ कुछ ना थोड़ा लाल कर दिया, क्योंकि ना मेरी बेटी को थोड़ा लाल पसंद है, तो मैंने इसलिए ना इसको थोड़ा सा लाल कर दिया। अब मैं बेटी को देने जा रही हूँ ना, तो सोचा पहले बेटी को मैं पहले दे देती हूँ, तो सोचा पहले दे दूँ। और ना मैंने ये भगवान के लिए नहीं निकाला, क्योंकि ना ये कढ़ाई दूसरी है, तो मैं इस कढ़ाई का नहीं देती हूँ भगवान जी को, तो इसलिए ना मैंने भगवान के लिए नहीं निकाला, तो बेटी को दे के आती हूँ, बेटी भी मेरा भगवान ही है। तो चलिए फिर, और मेरा ना ये पकोड़े तो पूरा फाइनल बन गए, और अभी ये सारा साफ कर दिए, तो और जितना बर्तन था उसमें लगा दिए, और जो बर्तन अभी हुआ था वो धो दिए मैंने। और गाइस अब हो गए हैं 9:45, तो अभी हस्बैंड ने खाना खा लिया है, और बेटी और मैं और मेरा बेटा तीन जना हम खाना खाएंगे और डिनर करेंगे। इससे पहले मैं सोच रही हूँ ना थोड़ा अलमीरा को साफ़ करूँ, क्योंकि कल संडे थे ना, तो कपड़ा ना इधर उधर हो गए, जैसे कुछ बेटी का कपड़ा मेरे में आ गए ऐसे हो गए, तो उसको मैं थोड़ा ठीक कर दूँगी, क्योंकि ना फिर मुझे ऐसे में अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सोच तो रही थी कल करूँगी, पर नहीं कर पाऊँगी, मैं अभी करके सोऊँगी, क्योंकि मुझे अगर ऐसे देख लिया ना, मैंने ऐसा हो रखा है तो मेरे को नींद कम आएंगे कि यार अलमारी का कब साफ करूँ, कब कपड़े को ठीक करूँ, कब ऐसे करूँ, इल जा रखा है, तो इसलिए मैं इसको पहले कर लेती हूँ। तो चलिए फिर गुड नाइट, और आप लोग अच्छा रहना, तबीयत सबकी सही रहे, और हंसते रहना, क्योंकि हंसेंगे तो हंसना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि हंसी और खुशी यही तो ज़िंदगी है। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ।